वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपने रसोई से अरबी के पत्तों की सब्जी पत्ते की सब्जी लेकर आई हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये 1.5 कप बेसन है, सॉरी आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर बेसन में डालकर और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला है मैंने। इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, मिला लेना है। और ये मेरी सास बना रही हैं। ये 2 चम्मच जैसा सरसों तेल है, उसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेरी सास ने कहा कि ये हम सिखा दे रहे हैं, तो ये उनकी ही हाथ है। और थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे मिलाना है। मेरी सास बिहार की हैं, उनको ये सब मतलब खाना का बहुत शौक़ है। तो देखिए, अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर उस पर इस तरह से बेसन जो मिलाकर पेस्ट बनाया है उसे फैलाकर अच्छी तरह से पूरे पत्ते में स्प्रेड करना है, पूरे पत्ते में फैला देना है इस पेस्ट को। उसके ऊपर एक और पत्ता रखिए, फिर इसमें पेस्ट मिलाया जाएगा। और एक के बाद एक 4-5 पत्ती ऐसे ही मिला पेस्ट फैलाकर लगाना है। और देखिए किस तरह से मोड़ना है। ये एक थाली के ऊपर रखकर बनाई है, इस तरह से धीरे धीरे पूरे पत्तों को फोल्ड करते हुए जाना है। और किनारों को भी भीतर की तरफ मोड़ते हुए जाना है, इस तरह से फोल्ड करना है और धागे से इस तरह से बांध देना। ये देखिए मेरी सास हैं, ये इस तरह से देखिए इसका हम बना लेना है। और फिर दूसरा हम दूसरे बार भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये हो चुका है। अब इसके बाद इसे उबालना है। पहले से पानी गर्म करके चढ़ा कर रखा है मैंने, और गर्म पानी में ही उबालना है। ये देखिए उबल चुका है। उबलने के बाद खुद पता चल जाएगा कि ये अंदर तक पक गया है। और आपको अगर पता करना है तो एक टूथपीक से की मदद से पता कर सकते हैं। और चलिए अब ग्रेवी के लिए, देखा आपने जैसा पैन में 2 चम्मच तेल डाला है गर्म होने के लिए। और इधर मसाले की तैयारी करते हैं। 2 चम्मच पोस्ता, जिसे खसखस भी बोला जाता है, इंग्लिश में पॉपी सीड बोलते हैं, लहसुन, अदरक, जीरा और गुल मिर्च और एक बड़ा प्याज का अच्छी तरह से फाइन पेस्ट इसका बनाना है। गोल मिर्च आप जितना तीखा चाहो उसके अनुसार ले सकते हो। ये 4-5 हरा मिर्च है, इसमें पानी डालकर पेस्ट रेडी करेंगे। और गर्म तेल में मेथी का फ़ौरन देकर छौंक दिया है, सॉरी उस समय दिखा नहीं पाई, थोड़ा सा मेथी 1/2 चम्मच से भी कम। और जब मसाला पकने लगे तो उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर
पहले देकर। आमचूर पाउडर अभी मैंने थोड़ा सा दिया है, भूनना है वो फ्लेम कम करके छोड़ दिया है। और इधर जो उबला हुआ है उसे ठंडा करके इसका धागा हटा कर ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है इस तरह से। पतला पतला ही आप काटें तो अच्छी तरह से पकेगा। और जिस बेसन जो बेसन का पेस्ट पत्ता के लिए रख था उसी को थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, और उसी में लपेट लपेट कर इसका इस तरह से पकौड़ा जैसा तल लेना है। और लाल हो जाए उतना तलना है। ये देखिए मसाला हो गया है, तो अपने स्वाद के अनुसार नमक डाला है मैंने और थोड़ा ज़्यादा आमचूर पाउडर। और इधर देखिए ये इसका पकौड़ा भी रेडी हो रहा है। देखिए इस तरह से कुरकुरा हो जाए उतना देर तक आपको तलना है, मीडियम फ्लेम में आप तलें। और इधर ग्रेवी में टमाटर काट कर डाल दें, और हल्का ही जब टमाटर गला हो तब पानी डालकर, गर्म पानी डालकर आप ग्रेवी को उबालें। और दूसरे बाउल में निकालकर ग्रेवी जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना तब आप उसमें पकौड़े को डालें। बहुत अच्छा लगता है ये चावल के साथ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इस सब्जी में खट्टा थोड़ा ज़्यादा डालें आप, ये ध्यान रखिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।